नमस्कार YouTube परिवार, मैं मोहित अग्रवाल, एक एंटरप्रेन्योर और मोदी केयर इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मोदी केयर एक्सप्रेशन पर। बिल्कुल सही पढ़ा है थंबनेल आपने। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि किस तरीके से अपनी स्किन का बेस्ट पॉसिबल वे में ध्यान रखा जाए, किस तरीके से उसे फ्लॉलेस और हेल्दी रखा जाए। वैसे तो ये फैक्ट आप लोग जानते ही होंगे कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो स्किन ही है, इसलिए इसका ध्यान भी सबसे ज्यादा रखा जाना चाहिए। और बेसिकली लोग फेशियल स्किन को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से अपनी फेशियल स्किन का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाए। यूं तो बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स और बहुत सारे अलग अलग रूटीन्स आप लोग फॉलो करते होंगे, लेकिन जो मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही इफेक्टिव वे में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। पुराना जो भी आप सब लोग जानते हैं उसे साइड में रख करके इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपसे बहुत कम समय में बहुत काम की बात करने वाला हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को ये भी जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी स्किन का टाइप क्या है। बेसिकली चार टाइप की स्किन होती है, जो कि होती है ऑयली, नॉर्मल, ड्राई और सेंसिटिव। आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आपकी स्किन टाइप इसमें से कौन सी है? तो ये भी एक बहुत ही आसान सा टेस्ट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पैच टेस्ट। अब आपको ये पता लगाने के लिए करना क्या है, सुबह जब आप उठते हैं तो एक बहुत ही लाइट वेट सा टिश्यू या फिर पेपर आपको लेना है और अपने पूरे फेस के ऊपर इस तरीके से उसे फैला करके रखना है। अब उसे थोड़ी देर से फैला करके रखने के बाद में जब आप देखेंगे तो उसमें आपको अलग अलग सी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि अगर उसके ऊपर किसी भी तरीके से कोई ऑयल के पैच नहीं आए हैं, ऑयल के कोई भी पैचेज नहीं हैं, तो आपकी स्किन जो कहलाती है वो कहलाती है ड्राई स्किन। अगर उसके ऊपर आपके टी जोन में, जो कि फोरहेड और आपकी नोज के ऊपर, अगर ऑयल के पैचेस मिले हैं तो इस केस में उस स्किन को कॉम्बिनेशन स्किन कहा जाता है। अगर वो आपका टिश्यू कई जगहों पर से सैचुरेट हो गया है ऑयल के कारण, या फिर बहुत सारे अलग अलग जगहों पर ऑयल के पैचेस आपको मिल रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपकी जो स्किन कहलाती है वो कहलाती है ऑयली स्किन। एक और छोटा सा टेस्ट जो चेक करने के लिए आपकी स्किन सेंसिटिव है या नहीं, उसके लिए आपको ये करना है कि अपनी फिंगर्स लेनी है, मेक श्योर कि आपके नेल्स बड़े ना हो, और आपकी फिंगर से इस तरीके से आपको लाइटली ब्रश करना है अपनी स्किन के ऊपर। जब ये प्रोसेस आप करते हैं और अगर आपको कुछ रेडनेस देखने को मिलती है या फिर किसी प्रकार से कोई इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम आती है, तो इस केस में जो आपकी स्किन होगी वो स्किन कहलाएगी सेंसिटिव स्किन। तो दोस्तों, अब जब आपको पता चल गया है कि आपकी स्किन का टाइप क्या है, तो अब आपको एक रूटीन फॉलो करना होता है जो कि आपकी स्किन के टाइप के हिसाब से आपकी स्किन को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो बेसिकली वो एक डेली रूटीन और एक वीकली रूटीन होता है, जिसे डेली रूटीन को कहा जाता है CTTMP, क्लेंजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजेशन एंड प्रोटेक्शन, और वीकली में आपका एक्सफोलिएशन आ जाता है, जिसमें आपको स्क्रबिंग और फेस पैक यूज़ करना होता है अपनी स्किन के ऊपर। तो अगर बात करें कि ये CTTMP होता क्या है, तो C स्टैंड्स फॉर की होता है क्लेंजिंग, जो कि स्किन को आपको धो करके साफ करना है। उसके बाद में आता है टोनिंग, जो कि एक लिक्विड लगा करके आपको अपने स्किन के pH बैलेंस को मेंटेन करना है। उसके बाद में आता है ट्रीटमेंट, आपकी स्किन के टाइप से हो सकता है कोई मॉडरेट से आपको कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट आता है वो। उसके बाद में आता है M से मॉइस्चराइजेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है, और पी से आता है प्रोटेक्शन। जब आप धूप में जाते हैं तो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सन की अल्ट्रा वायलेट रेज से। और फिर वीकली आपको एक्सफोलिएशन जो करना होता है स्क्रब और फेस पैक के साथ। तो ये वीकली रूटीन आपको फॉलो करना होता है। अब आपकी स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं, तो आज मैं आपको हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट से किस तरीके से अपनी स्किन का ध्यान रखा जाए, मोदी केयर के इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट से किस तरीके से अपनी स्किन का ध्यान रखा जाए, तो वो मैं बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो क्या क्या प्रोडक्ट्स आप लोगों को यूज़ करना चाहिए इस केस में। तो क्लेंजिंग के लिए बेसिकली आपको यूज़ करना है फ्रूट ऑफ द अर्थ का क्लेंजिंग जेल। टोनिंग की अगर मैं बात करूँ तो टोनिंग कम प्रिफर किया जाता है ऑयली स्किन के लिए, आप लेकिन उसे यूज़ करके देख सकते हैं, अगर आपकी स्किन के ऊपर सूट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो उसमें आप श्लोका का 3-in-1 टोनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करूं मॉइस्चराइजेशन और ट्रीटमेंट प्रोडक्ट की, तो आपको बेसिकली यूज़ करना है उसके अंदर फ्रूट ऑफ द अर्थ का फेयरनेस जेल। केस में ध्यान रखिएगा, अगर सीजन विंटर का है तो विंटर सीजन में फेयरनेस जेल इतना ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन नहीं दे पाएगा, उस केस में आपको इस्तेमाल करना है श्लोका का
हाइड्रो पपाया हिबिस्कस मॉइस्चराइजर। कभी कभी जब आपको लग रहा हो कि फेयरनेस जेल लगाने से भी ज्यादा मॉइस्चराइजेशन नहीं मिल पा रहा है, तो फिर उस केस में आप हाइड्रो पपाया हिबिस्कस मॉइस्चराइजर का भी यूज कर सकते हैं। अगर बात करें कि आपको फेस पैक कौन सा यूज करना है, ऑयली स्किन के लिए बेसिकली फेस पैक रिकमेंड किया जाता है फ्रूट ऑफ द अर्थ नीम एंड रोजमेरी फेस पैक। और अगर स्क्रबिंग की बात करूं तो ऑयली स्किन में स्क्रबिंग भी लेस प्रिफर किया जाता है, क्योंकि ऑयली स्किन के ऊपर पिंपल्स की भी कई बार ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो स्क्रबिंग करने से वो और वर्स हो सकते हैं, इसलिए स्क्रबिंग के लिए भी मना किया जाता है। अगर लास्ट में प्रोटेक्शन की बात की जाए, अगर बहुत कम समय के लिए आप धूप में रहते हैं तो फेयरनेस जेल भी काफी है, लेकिन थोड़ा समय जब आप बाहर रहते हैं तो SPF 30 श्लोका का आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा एक कंप्लीट पैकेज है ऑयली स्किन के लिए। तो जिसकी भी स्किन ऑयली हो उसे आप ये रिकमेंड कर सकते हैं, एज वेल एज अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। ये बात करते हैं कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो फिर आपको कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं। तो क्लिंजिंग के लिए आपको श्लोका का मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लिंजर इस्तेमाल करना है। टोनिंग आपको करनी है श्लोका के 3-in-1 टोनर के साथ में, आपको उसे कॉटन में लेना है और टैप करते हुए फेस के ऊपर लगाना है। मॉइस्चराइजेशन के लिए डे क्रीम बेस्ट रहेगी, श्लोका डे क्रीम रेंजुविनेटिंग डे क्रीम आपको यूज करनी है। स्क्रबिंग के लिए आपको यूज करना है मोरक्कन आर्गन ऑयल स्क्रब श्लोका का। फेस पैक के लिए आपको यूज करना है श्लोका ग्लो फेस पैक। प्रोटेक्शन डिपेंड करता है कि अगर आप 6 घंटे धूप में रहते हैं तो SPF 30 सही रहेगा, और 6 घंटे से ज्यादा अगर रहते हैं तो SPF 50 बेस्ट रहेगा। ये पूरा एक कंप्लीट पैकेज है जो कि ड्राई स्किन के लिए है। बात करते हैं कि अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन या फिर नॉर्मल है, जो कि सबसे अच्छा स्किन टाइप माना जाता है, तो इसमें आपको क्लेंजिंग के लिए यूज करना है श्लोका मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लेंजर। टोनिंग के लिए वही 3-in-1 टोनर यूज करना है। मॉइस्चराइजेशन के लिए डे क्रीम बेस्ट है। इसके अलावा आपका पर्पस क्या है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वाइटनिंग क्रीम फेयरनेस क्रीम भी आप यूज कर सकते हैं। स्क्रबिंग के लिए आपको एवोकाडो फेस स्क्रब श्लोका का यूज करना है। फेस पैक में आप D10 फेस पैक या फिर ग्लो फेस पैक भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है। और प्रोटेक्शन में भी सेम वही चीज फॉलो होती है, SPF 30 या फिर SPF 50, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने समय तक बाहर धूप में रहते हैं। ये पूरा कंप्लीट पैकेज है जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन या फिर नॉर्मल है। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपका स्किन टाइप सेंसिटिव है तो फिर कौन से प्रोडक्ट आपको यूज करना है। एक बात इसमें ध्यान रखने वाली ये होगी कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कौन से प्रोडक्ट्स आपके ऊपर बहुत अच्छे से सूट कर रहे हैं और कौन से सूट कम कर रहे हैं। तो अगर बात करें क्लेंजिंग के लिए तो आपको मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लेंजर यूज करना है। टोनिंग के लिए श्लोका 3-in-1 टोनर यूज करना है। और अगर मॉइस्चराइजेशन की बात करें तो आप डे क्रीम यूज कर सकते हैं, वाइटनिंग क्रीम भी यूज कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं वाइटनिंग क्रीम से, और अगर आपको उसके ऊपर ड्राई लग रहा है तो आप मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं हाइड्रो पपाया। स्क्रबिंग में आपको ध्यान रखना है कि स्क्रबिंग आप ज्यादा ना करें, क्योंकि ज्यादा स्क्रबिंग करने से आपको इरिटेशन इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और ध्यान से स्क्रबिंग करें, हफ्ते में एक बार ही स्क्रबिंग करना है। उसके बाद में फेस पैक की अगर मैं बात करूं तो फ्रूट ऑफ द अर्थ नीम एंड रोजमेरी फेस पैक है, जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए भी है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर सनलाइट के कारण, धूप के कारण भी आपको कुछ ज़्यादा सेंसिटिविटी आती है स्किन के ऊपर, तो आप D10 फेस पैक भी यूज़ कर सकते हैं, उसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। और अगर बात करें धूप से बचाव की, प्रोटेक्शन की, तो आपके लिए SPF 30 बिल्कुल सही रहेगा। दोस्तों ये पूरा पैकेज आता है सेंसिटिव स्किन के लिए। ये था इन 4 स्किन टाइप्स के हिसाब से आपके लिए कि कौन से प्रोडक्ट्स आप लोगों को यूज करने चाहिए। और एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो मैंने ये स्किन केयर के हिसाब से प्रोडक्ट्स बताए हैं, ये बेसिकली रेगुलर स्किन केयर के हिसाब से हैं। कोई मॉडरेट सी प्रॉब्लम्स हैं आपकी करस्पॉन्डिंग स्किन टाइप के हिसाब से तो उसके लिए प्रोडक्ट्स बहुत बेहतर हैं। लेकिन अगर कोई सीवियर प्रॉब्लम आप लोगों को फेस के ऊपर हो रही है, जैसे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं, बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स, अनइवन स्किन टोन, पिगमेंटेशन, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा उसके ट्रीटमेंट के हिसाब से। तो आज इस वीडियो को मैंने बहुत सिंपल और रेगुलर स्किन केयर के हिसाब से रखा है। दोस्तों यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली है कि अगर आपको बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए हैं तो ये जो मैंने पूरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स बताए हैं पर्टिकुलर स्किन टाइप के हिसाब से, वो सारे प्रोडक्ट्स, वो पूरा रूटीन आपको देना है। कई बार हम सोचते हैं कि अच्छा ये एक प्रोडक्ट यूज़ करने से उनको फ़ायदा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इनफैक्ट हो सकता है कि वो सूट ना हो या फिर कुछ एक सिचुएशंस की वजह से वो एक प्रोडक्ट काम ना कर पाए, तो ऐसा ना करें। किसी को अगर आप रिकमेंड करते हैं तो पूरा स्किन केयर रूटीन रिकमेंड कीजिए, अगर आप खुद यूज़ करते हैं तो पूरा स्किन केयर रूटीन यूज़ कीजिए, जिससे आपको रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे और परमानेंट रिजल्ट्स मिलेंगे।
शॉर्ट में इस इंटरएक्टिव वीडियो बनाने का मेरा मकसद यह है कि आप इसे एज अ टूल यूज कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, खुद सीखने के लिए और अपने लोगों को इसे सिखाने के लिए, जिससे आपका और उनका बहुत फायदा हो सकता है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने लोगों के बीच में, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें। और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप फ्री में इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस बेल आइकॉन को दबा सकते हैं, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ आपसे मिस नहीं होंगे। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बार बार आकर के इन वीडियोज़ को देखते रहने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।